हेलो एंड वेलकम टू SDCM। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ BSc सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, क्या जरूरी होता है इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस होने के लिए, वो आज हम देखने वाले हैं। तो जब भी हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है तरंगों का मिलना। एक तरह से यही फिनोमिना हमें देखने को मिलता है कि एक तरह से तरंगों का मिलना ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहलाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें क्या होता है, कुछ कुछ जगह पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो कम होती है, कुछ जगह पर ज्यादा होती है, कुछ इस टाइप का हमें फिनोमेना देखने को मिलता है। इसी को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। कहीं पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा देखने को मिलती है, कहीं पर कम देखने को मिलती है। तो ऐसा समपोषी व्यतिकरण पढ़ते हैं हम और विनाशी व्यतिकरण पढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पढ़ के रखा है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का फिनोमिना देखने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती है इंटरफेरेंस होने के लिए, लाइट के इंटरफेरेंस के लिए या वेव इंटरफेरेंस ऑफ वेव के लिए, तो ये देखते हैं हम। सबसे पहले दो प्रकाश तरंगों में स्पष्ट एवं स्थिर व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, हमारी दोनों तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए। दोनों तरंगों का मूल प्रकाश स्रोत एक वर्णी होनी चाहिए। देखिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे अगर हम बात करें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिना हमें तभी अच्छे से देखने को मिलता है जब हमारा सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक हो, मतलब एक ही कलर का प्रकाश निकल रहा हो सोर्स ऑफ लाइट से, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का हमें फिनोमिना अच्छे से देखने को मिलता है। तो अगर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो दोनों तरंगों की आयाम लगभग बराबर होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इक्वल होना चाहिए, लगभग लगभग इक्वल होना चाहिए दोनों तरंगों के आयाम, और दोनों तरंगों एक ही सरल रेखा में गमन करनी चाहिए। ये भी सही बात है, दोनों तरंगें एक ही सरल रेखा में गति करनी चाहिए, ये भी एक रिक्वायर्ड कंडीशन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए। यदि तरंगें ध्रुवित हो तो दोनों समान तल में ध्रुवित होनी चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायर्ड कंडीशन, यदि तरंगें ध्रुवित हो तो दोनों समान तल में ध्रुवित होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमेना देखने के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, दोनों तरंगों का मूल प्रकाश एक वर्णी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं हम जब भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमें देखने को मिलता है अच्छे से अगर सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक हो, मतलब एक ही कलर की लाइट निकल रही हो उससे। तो ये नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिना हमें देखने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह की कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं और नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमेना देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।